CNN News sponsored by Deepak Jeweler, Lakkar Bazar, Solan 9816078655. दून भाजपा में पदाधिकारी रहे एक नेता ने अपने कई साथियों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। भाजपा नेता का आरोप है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की अनदेखी के चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। वहीं दून के पूर्व विधायक रामकुमार चौधरी के नेतृत्व में करीब 32 परिवारों के लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा, जिससे अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में दून में घमासान ज्यादा होने की संभावना लग रही है। पिछले कुछ समय से भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने वालों और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वालों नेताओं का सिलसिला लगा हुआ है और वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इन नेताओं का पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आना कितना असर डालता है यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि दून भाजपा के नेता द्वारा कांग्रेस में शामिल होने के बाद भाजपा में खलबली जरूर मच गई है। आज धर्मपुर में भाई डीनू जी, प्रदीप कुमार जी का पूरा नाम है, इन्होंने एक फंक्शन रख के धर्मपुर डोरिया और भूपनगर के करीब 32 परिवार जो है जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, मेरे साथ जो है वो इनका विलय हुआ है। इनमें से कुछ हमारे फाउंडर मेंबर जिन्होंने 1990 में मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय चौधरी लज्जाराम जी को अपना आशीर्वाद दिया था, उनमें से काफ़ी लोग उनमें से वो हैं जो इनकी घर वापसी हुई है, और काफ़ी लोग वो हैं जो सदैव बीजेपी में थे लेकिन अब बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं और स्थानीय विधायक की जो नाकामियां हैं उनको देखते हुए इन्होंने आज मेरे साथ मुझे आशीर्वाद दिया है। तो मैं इन सब 32 परिवारों का अपनी तरफ से धन्यवाद करते हुए इनका स्वागत करता हूँ और इनको भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारी सरकार बनने वाली है। जैसा मुझे समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मार्जिन से जो है हम लोग, मैं जीत के विधानसभा में जाऊंगा और मैं इनके जो बचे हुए कार्य जो मैंने शुरू किए थे उनको पूर्ण भी करूंगा और नए काम जो इन लोगों ने मुझे सुझाए हैं या जो मेरे मन में है, दून क्षेत्र को जो है सोने की चिड़िया बनाने का मेरा एक ध्येय है, उसको मैं पूरा करने के लिए जो है मैं पुरजोर जो है मैं पूरी मेहनत करूंगा। धन्यवाद। CNN News brought to you by Smart, विवाह शादी की खरीदारी के लिए हिमाचल का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान, आज ही पधारिए Smart, देवभूमि प्लाजा, राजगढ़ रोड, सोलन।